शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। न्यायाधीश की तरह यहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ जज साहब आग बबूले हो रहे हैं और उसमें पीपी साहब घी डालने का काम कर रहे हैं। जज साहब ने क्या कहा जानते हैं? अंदर जाने के लिए 5 ही मिनट बचे हैं, यही ना? आहा, सारी बातें सुन ली हैं आपने, फिर भी यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। चलिए ना सर। यानी हमारे पास 5 मिनट का टाइम और है, वेट करते हैं। सर चलिए ना सर, टाइम हो गया सर। अभी 1 मिनट बाकी है। सर अब तो उठिए ना सर। ठीक है, मेरी कार नीचे पार्क कर दो और सिटी सिविल कोर्ट में जाकर बैंक केस का नंबर पता करो। हाँ ठीक है सर, मैं देख लूंगा सर। आप Sorry for the delay, Your Honor. अब तक कोर्ट का काफी वक्त जाया हो चुका है। पीपी जी। Your Honor, हत्यारण रागिनी ने अपने पति की हत्या करने के लिए उस दिन पूरे 2 घंटे का प्लान बनाया था। अपने पति पर मिट्टी का तेल डालकर उसने उसे बेरहमी से जलाया। उसने जो गुनाह किया है वो सारी नारी जाति के लिए अपमान की बात है। Your Honor, इस गुनाह को साबित करने वाले सारे गवाह सुन चुके हैं, पर इस केस में बहुत प्रधान और जरूरी गवाह वॉचमैन राघव को मैं बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। राघव, राघव बताओ। राघव, मार्च 10 तारीख को क्या हुआ था? जुल्म हुआ साहब, इसने अपने पति पर किरासन तेल छिड़की। वहाँ उसका पति बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रहा था साहब जी, मैं दौड़ता हुआ गया साहब जी। इसका पति आग में लिपट चुका था, चिल्ला चिल्ला कर दम तोड़ दिया साहब जी। That's all, Your Honor. Defense. हत्या 10 मार्च को हुई जी साहब जी। किस वक्त हुई? ठीक रात के 7 बजे साहब जी। 7 बजे? हाँ। इतना करेक्ट कैसे बता सकते हैं? जब मैंने चीख की आवाज सुनी तब मैं टीवी पे समाचार देख रहा था। समाचार सुन रहे थे? हाँ। अच्छा ये बताओ, उस समय रागिनी ने कौन से रंग की साड़ी पहनी हुई थी? लाल रंग की साहब जी। तुमने मुझे ध्यान से देखा? देखा। अच्छे से देखा क्या? देखा साहब जी। मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है या नहीं? बेकार का सवाल है, दाढ़ी से इस केस का क्या संबंध? संबंध है पीपी जी, आई विल प्रूव इट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन इज ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। दाढ़ी बढ़ी हुई है या नहीं? दाढ़ी बढ़ी है या नहीं? नहीं है साहब। योर ऑनर, पीपी जी का गवाह हत्या की जगह पर गया तो टेंशन में था। उसे अभी तक याद है कि साड़ी का रंग क्या था, लेकिन मुझे सामने देखने के बाद भी ये नहीं बता पाया कि मैंने दाढ़ी बढ़ाई हुई है या नहीं। योर ऑनर, पीपी जी का गवाह ने कहा 7 बजे टीवी पर समाचार देखते समय उसे चीखें सुनाई दी, लेकिन उस समय हत्या की जगह पर करंट था ही नहीं, तो समाचार कैसे सुन रहे थे? और उसी दिन नहीं बल्कि अगले 2 दिन तक वहां पर करंट नहीं था। ये रहा उसका सर्टिफिकेट। Thank you.
मिस्टर राकेश, कोर्ट का डिसिप्लिन बिगाड़ रहे हो। आपको सस्पेंड करने के लिए बार काउंसिल को रिकमेंड करता हूँ। थैंक यू योर ऑनर। मैंने कोर्ट में सिगरेट पी, कंघी की अंगड़ाई ली, इसके लिए आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन इसमें कितना समय लगा? सिर्फ 5 मिनट सर। लेकिन योर ऑनर, 7 साल से पति की हिंसा सहने वाली इस रागिनी को कितना गुस्सा, कितना आक्रोश होना चाहिए, एक बार सोच कर देखिए। पति ने मारा तो सहन किया, मंगलसूत्र बेच के जुआ खेला तो भी सहन किया, नशे में उसके पेट पर लात मारी तब भी उसने सहन किया, पेट के बच्चे को मारा तो भी खून का घूंट पी गई, लेकिन 100 रुपए के लिए पराए आदमी के पास भेजेगा तो कौन सहन करेगा, आप ही बताइए योर ऑनर। इसीलिए उस पर केरोसिन डालकर उसे मार डाला। इसका अपने पति को मारना पूरी तरह जायज है। ये मर्डर एक सोची समझी साजिश नहीं था, बल्कि एक लाचार औरत का अपनी इज्जत बचाने के लिए उठाया गया कदम था। हमारे पीपी साहब ने बताया, रागिनी ने बहुत बड़ा प्लान बनाकर अपने पति को मारा। इतनी सहनशील औरत प्लान क्या बनाएगी, गुस्सा आ जाए इतना ही बहुत है। योर ऑनर, मैं जानबूझकर कोर्ट में 5 मिनट लेट आया था, देखा ना इससे आपको कितना गुस्सा आया। मैं कैसा हूँ, मेरा कैरेक्टर कैसा है, ये सब अच्छी तरह जानते हैं आप, फिर भी मुझे सस्पेंड करने का फैसला किया। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए तो एक मामूली औरत गुस्से को कैसे कंट्रोल करती? आपका गुस्से को कंट्रोल न कर पाना न्याय है तो रागिनी का भी अपने पति को मारना न्याय है। मर्डर करके भी अपनी इज्जत बचाने वाली औरत ही सच्ची औरत है। आप अपने IPC सेक्शन देखकर नहीं, बल्कि इस औरत के आंसू और दर्द देखकर अपना फैसला सुनाइए। यस यस, दैट्स ऑल योर ऑनर। राकेश की बातें सुनने के बाद मेरा अनुभव ही मेरा मजाक उड़ा रहा है। मंगलसूत्र को पवित्र बंधन का मान देने वाली एक भारतीय नारी आखिर पति की हत्या क्यों करेगी? कानून नहीं समझ पाएगा, दिल और दिमाग दोनों रहने वाले इंसान को ही समझ में आता है। इसीलिए कानून के दायरे से बाहर आकर मानवता के भाव से इस विषय पर सोचने के बाद राकेश की बातों से सहमत होकर रागिनी को निर्दोष है ऐलान करके बरी किया जाता है। इस काम के लिए गए थे, हो गया? हाँ हो गया सर। अरे अरे, ये क्या कर रही है? ऐसा मत कहिए साहब जी, आपके पैर पड़ने के अलावा फीस देने की क्षमता मुझ में नहीं है। ये लीजिए साहब जी। रहने दीजिए। मना मत कीजिए, रख लीजिए। मैंने ये केस आपकी फीस के लिए नहीं लड़ा, आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ा है। नमस्ते साहब जी। बिना फीस लिए चले गए, यही ना? देखो बहन, कुछ लोगों के लिए नोट एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए एलर्जी। जरा नोट मुझे देना। देखो बहन, इस नोट पर सिंह के चित्र के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। झूठ बोलकर पैसे कमाने वाले गधे लोग इसको देखते हैं क्या? नहीं देखते, लेकिन उन्होंने देखा, इसीलिए उन्होंने इस पॉइंट से ज्यादा इस पॉइंट को पसंद किया। उस पॉइंट पर चलने वाले उस आदमी की चाल देखो बहन, उसकी चाल में आत्मविश्वास, उसकी नजर में सच्चाई, उसके दिल में ईमानदारी और विचार में धर्म है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ वो है ऑनेस्ट राकेश। क्या बात है यार, हार दिया, समझ गया मैं। आखिर में झूठा बयान देने में तू नंबर 1 है, ये साबित हो चुका है यार। क्यों, उसने जब दाढ़ी का रंग पूछा तो तू घबरा क्यों गया? चल चल, होता है, कभी कभी होता है। क्या बताऊं यार, मेरे लॉयर ने मुझे इशारा नहीं किया था, घबराहट में बोल दिया दाढ़ी नहीं है। चाहे जो भी हो, अपना पैसा तो अपने को मिल गया ना, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल सर। और क्या क्या है, अरे क्या कर रहे हो? कोर्ट में झूठ क्यों बोला तूने? बोला तो क्या हुआ रे, मार क्यों रहा है मुझे? फिर कभी झूठ बोला तो तेरे पाप को भी मारूंगा। क्या रे, क्या रे? मेरे दोस्त को क्यों मारा तूने? क्या रे, तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी माँ की ये हालत होती तब भी ऐसा ही झूठ बोलता? वो मेरी मर्जी। क्या बोला रे? औरत की इज्जत न करने वाला माँ के नाम की पुकार लगाए तो अच्छा नहीं लगता। सर, सर, नहीं सर, छोड़ दीजिए सर, सर, छोड़ दीजिए प्लीज। तुम्हारा कभी झूठ बोला ना सर? चलिए सर, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं साले। लॉयर्स गुंडों की तरह मारामारी करेंगे तो न्याय और कोर्ट्स का महत्व नहीं रहेगा। दुनिया में झूठ
100 में से 99 लोग बोलते हैं, तो क्या सबको तू मारता फिरेगा? देख, बेवजह गुस्से को बढ़ाकर अपने मन की शांति को खोना मत। 4 साल पहले कितनी खुशी से हंसते और हंसाता रहता था। मुझे पहला वाला राकेश चाहिए बेटा। उस राकेश को मरे हुए 4 साल हो गए माँ। माँ और खाने से रूठना नहीं चाहिए बेटा। बैठ, खाना खा। तू क्यों बदल गया ये जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। तेरा बदलना, तुझे मेरा बदलना कितना मुश्किल है मैं जानती हूं। ठीक है, थोड़ा छाछ तो पी ले, शायद मन ठंडा हो जाएगा। अंकल पेपर। और राजू, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अंदर जाकर दे दो। Hey! इस कार की कीमत जानता है तू? इसके नीचे आकर अगर तू मरता तो इस महंगी कार का क्या होता? तुझ जैसे भिखारियों को कुत्तों की तरह मारना चाहिए, तभी इस कंट्री का भला होगा। जाओ, जाओ यहाँ से। इंसान की जिंदगी की कीमत तुम्हारी कार से कम है क्या? हाँ? इंसान को इंसान की तरह देखने की आदत डाल लो, अगर नहीं डालोगे तो कुत्ते की मौत मरोगे। कितना आंकड़ू है सर? कौन है सर वो? वो मेरा बेटा है। He is my son. Aye! Don't you ever call me your son, Mr. Mahendra. मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। 4 साल पहले, 4 years back, तुम मेरे लिए मर चुके हो। मैं तुम्हारी चिता को जला के राख कर चुका हूं। You don't exist for me, Mr. Mahendra. मुझे गुस्सा मत दिलाना। पहुंचने के बाद भी तुझे दर्द नहीं हुआ? जब दिल का घाव बर्दाश्त कर गया तो ये तो शरीर की चोट है, राकेश के कारण रागनी केस की जीत हुई। हाँ, देखो शैला, लॉयर राकेश जी दिन ब दिन सेंसेशनल लॉयर बनते जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी तक उनका इंटरव्यू नहीं लिया। क्या करें सर, उन्हें पब्लिसिटी का शौक नहीं है। उनका इंटरव्यू लेने के लिए बहुत ट्राई किया लेकिन वो मानते ही नहीं है। इसीलिए अपने चेन्नई ब्रांच से स्पेशल रिपोर्टर संध्या को बुलाया है।
पता। 3 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ। इंसान को लॉन्ग शॉट में स्टडी करना चाहिए शैलू। मेरा कहना मानती क्यों नहीं? राकेश जी रोज कोर्ट में आते हैं, जाकर क्लोजअप ले लो ना। कम ऑन क्विक, हरी अप। ओफो, लेट मत करो, जल्दी हरी अप। कम ऑन, लेट हो रहा है, जल्दी। हे संध्या, राकेश जी की कार आ गई। मस्त है यार। ए, माइक ऑन कर। ऑन करती हूँ। ए, इंटरव्यू लो। हेलो, कैमरा। जेमिनी टीवी के दर्शकों को हमारा नमस्कार। अब आपकी संध्या आपको मिलाएगी एक महान हस्ती से। जी हाँ, मैं आपको मिलाने वाली हूँ द ग्रेटेस्ट लॉयर ऑफ आवर टाइम्स, राकेश से। हेलो, माइक टेस्टिंग। शट अप, रॉन्ग नंबर। फॉलो कैमरा। कम ऑन हरी अप, फास्ट। स्टार्ट कैमरा फास्ट। गुड मॉर्निंग मिस्टर राकेश, आई एम संध्या फ्रॉम जेमिनी टीवी। हमारे सारे दर्शक आपके हीरो से कीमती बोली को सुनना चाहते हैं। प्लीज सर, मिस्टर राकेश। तो दर्शकों, देखा आपने, महान लोग हमेशा कुछ नहीं बोलते, इसलिए राकेश जी के चुप्पी के पीछे राज क्या है, चलिए जानते हैं। इस फाइल में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये क्या है, तुम्हें बताने के लिए बोला था ना? हाँ, बताया था। बताया क्यों नहीं अभी तक? आप इतने खूबसूरत हैं, आपकी पर्सनालिटी इतनी चार्मिंग है, अगर आप सिनेमा में जाते तो धमाका हो जाता। फिर भी आपने लॉयर का पेशा क्यों चुना, बताइए, जनता जानना चाहती है। सुनो गुलाब सर, शूटिंग की परमिशन है क्या? नहीं कहूँगा तो है सर, और हाँ कहूँगा तो नहीं है सर। है या नहीं? आप ही नहीं, इंटरव्यू के लिए बुलाया था, ऐसा ही उन्होंने कहा सर, इसीलिए आने दिया। जज साहब की कसम खा करके फोन आ गया सर, चलता हूँ। 5 मिनट में ये जगह खाली हो जानी चाहिए सर। आप जरा इधर आइए। कैमरा ऑफ करो, चलो। सुनो, इस बार मुसीबत टल गई, तुम लड़की हो इसीलिए बच गई। बालाजी के मंदिर में जाके मुंडन करवा लेना, चाहिए तो मैं तुम्हें खूबसूरत दिखने के लिए विग दे दूंगा। किस लिए? झूठ बोलने पर हमारे लॉयर साहब उठाकर गिराकर पटककर बदन के सारे पार्ट तोड़ देते हैं, फिर तुम हाथ में माइक लेकर राकेश राकेश कहते फिरना। बढ़िया ही, नहीं तो मेरा इंटरव्यू ले लो। चल हट यहां से। बैड लक, जेमिनी टीवी का नसीब खराब है, स्टार टीवी वाले पूछ रहे हैं, उन्हें दे दूंगा। दिमाग ठिकाने पर आया ना, राकेश की बात भूल जाओ और चलो। कट। ये क्लोजअप मिस हुआ तो क्या हुआ, अगली बार इस हरी मिर्च का दूसरा क्लोजअप लेती हूँ। हरी मिर्च, इसका असली नाम यही है, चलो। गोविंदा गोविंदा, अरे बाप रे, गोविंदा गोविंदा। ए, तुम्हें कौन से गांव जाना है? क्या, कौन से गांव जाना है? कौन से भी गांव जाओ, तुझे क्या करना है? सुनो, तुम पैसा लेकर टिकट दो बस, गांव के लोगों को पागल समझते हो क्या? इस बोझे का भी लगेज देना पड़ेगा। इसका लगेज लगाओगे तुम? इतने से बोझे का है? गांव के आदमी को पागल समझते हो तुम? इतने से बोझे का लगेज लगाओगे तुम? इसका एक्स्ट्रा वजन है, इसलिए लगेज देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वजन है तो क्या लगेज देना जरूरी है? बहुत पहुंची हुई चीज हो तुम। अरे भाई, मुझे सब पता है, गवर्नमेंट का काम लूटने का होता है। वैसे इन सारे आदमियों का वजन भी एक्स्ट्रा है, तो क्या इनका भी लगेज लगाओगे तुम? लगेज का पैसा दोगे तो आगे लेकर जाऊंगा, नहीं तो यहीं उतार दूंगा। क्या उतार दोगे मुझे? इससे बात कर रहे हो, जानते हो तुम ऐसे बात कर रहे हो? मुझे पागल समझते हो? मुझे उतार दोगे तो बस उस रस्ते से इस रस्ते पे आएगी क्या? ए, तेरे टिकट का जो भी पैसा बनता है चुपचाप ले ले, मुझे उतारने की बात करता है? गांव के लोगों को पागल समझ कर खाए क्या? देखो, कान खोल के सुन लो, मैं जितनी दूर इसे लेकर सफर करूंगा ना, उतनी दूर ये बोझा मेरे सर पर ही रहेगा। तेरे बस में रखा तो लगेज ले लेना, जो सही है ना? सॉरी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? फिर देखिए ना, ये कैसी बात कर रहे है। अरे कहाँ कहाँ चले आते हो, लाओ टिकट के पैसे दो। देता हूँ ना, मैं क्या भाग जाऊंगा क्या? क्या है ये, क्या है? सब चिढ़कर बात करते हैं, सब लोग एक साथ सफर कर रहे हैं, थोड़ा सा सामान ले सकते हैं? पढ़े लिखे होकर ऐसी बात कर रहे हैं? ये लो पैसे। ये क्या है, 10 पैसे कम है। और नहीं है? और चाहिए? अरे नहीं है, बोला ना दो। अरे नहीं है, बोला ना। नहीं दोगे तो यहीं उतार दूंगा। मुझे उतार दोगे तुम? गांव के लोगों को पागल समझते हो, खुद को समझते क्या हो? अरे 10 पैसे के लिए उतार दोगे? इतने लोगों से बराबर से पैसे लिए, 10 पैसे कम नहीं ले सकते क्या तुम? सुनो, ये कैसी नाइंसाफी है, बेईमानी की बात कर रहे हो? आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं क्या? वो बात नहीं है, तुम्हें उन्हें 10 पैसे देने हैं ना। आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें उन्हें 10 पैसे देने हैं कि नहीं? तो दे दीजिए। मैं क्यों दूं? मेरे पास नहीं है। मुझे क्या मतलब है? तो फिर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ही। अरे जब पैसे देने नहीं है तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? सॉरी, या बस में इतने लोग हैं, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। हम दोनों आपस में बात करेंगे और सारा मामला खुद ही सुलझा देंगे, आप बीच में मत पड़िए। हाँ तो भाई, सिर्फ 10 पैसे कम है तो समझना चाहिए ना, मान भी जाओ ना। सुनिए, टाइम क्या हुआ है? 9:10 हुआ है। ए, मार क्यों रहे हो? और नहीं तो क्या, क्यों मार रहे हो? देख रहा हूँ मैं, गांव के लोगों को पागल समझ कर रखा है क्या? अब तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुमसे क्या पूछा? टाइम कितना हुआ? तुम जाना क्या बताया? 9:10 बोला तुम्हारी तो 10 बजे बोला चाहिए था, 9:10 क्यों कहा?
ए, पागल हो गए हो क्या? तुमने टाइम पूछा तो मैंने 9:10 कहा। फिर से वैसे ही कह रहा है, तुझे जान से मार डालूंगा मैं। मैंने तुझसे क्या पूछा, फिर से बता। तुमने टाइम पूछा था ना, तो तुमने क्या बताया मुझे? 9:10 बोला। फिर से 9:10 बोल रहा है? 9 बजे बोल या फिर 10 बजे, ऐसा बोल। बार बार 9:10 क्यों बोल रहा है? गेट लगा है क्या? गेट लगाया इसीलिए तो बस रुक गई है। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? तो क्या करूं, पहले बोझा रख दिया, ऊपर से सिर पर बैठ गए और फिर अमरूद खा रहे हो। ट्रेन आएगी क्या? ट्रेन आएगी इसीलिए तो गेट बंद किया है। अरे इतना भड़क क्यों रहे हो? नहीं तो क्या करूं? क्या करोगे? गांव के लोगों को पागल समझ कर रखा है क्या? वैसे ट्रेन आती है तो गेट बंद करते हैं या बस आती है तो गेट बंद करते हैं? बस आती है तो गेट बंद करते हैं, ट्रेन आती है तो गेट खोलते हैं। ये बात मुझे भी पता है। वैसे मालगाड़ी होगी या पैसेंजर? जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, पैसेंजर होगी। क्या 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 पैसेंजर है? मरता क्यों? मरता क्यों? मरता क्यों? मारूंगा नहीं। मरता क्यों तू? जान से मार दूंगा। अगर अभी हाथ उठाया ना तो ठीक रहेगा। क्या बोला था? देखो पैसेंजर है। मुझे कैसे पता? पैसेंजर की कितनी बोगी होती है पता है तुझे? मैं नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं जानता। इतने पढ़े लिखे हो और पैसेंजर की कितनी बोगी होती नहीं पता? पूरी 8 बोगी होती है, गिन ले। ट्रेन आएगी क्या? नहीं, हवाई जहाज आएगी। अबे बार बार मारता क्यों? चुप नहीं बैठ सकता? आप ये लोगों को पागल समझते हो क्या? ट्रेन आएगी पूछा तो हवाई जहाज आएगी कह रहा है। कौन सी ट्रेन आएगी बोल? ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? मुंह में सवाल नहीं है क्या? पता नहीं चलता जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। और नहीं तो क्या? हर बात पे मार रहा है तू। पूछा तो ऐसे ऐसे उंगली हिला रहे हैं। आ रही है ना? अब गिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 बोगी है, पैसेंजर है। अबे फिर से क्यों मारा? तूने तो कहा था 8 बोगी वाली पैसेंजर होती है। क्या रे, 8 बोगी होने से हर गाड़ी पैसेंजर होगी क्या? वो मालगाड़ी है। लेते प्यार करने लगी या प्यार करती हूँ इसलिए इंटरव्यू लेने आई? पता नहीं मेरे मन को क्या हुआ, कैमरा की तरह क्यों घूम रहा है? Hello, hello, I want an interview.
सी गॉसिप भी थोड़ा सा रियल भी हिट होगी तभी ये स्टोरी रोमांस ये अपना एफर ये अपना देखेगी दुनिया सारी तो बोलो लव यू लव यू लव यू तुम मुझसे लव यू लव यू लव यू बोलो ना लव यू लव यू लव यू कहो ना लव यू लव यू लव यू तो लव की बातें हम दिल की बातें कर ले इंटरव्यू में हम दोनों हेलो हेलो आई वांट एन इंटरव्यू लाइफ का पहला गिव मी एन इंटरव्यू वेलकम वेलकम आपका है वेलकम करने हैं आपसे हमें कुछ क्वेश्चन देखो है कितनी है लवली लोकेशन हैप्पी हैप्पी देखो सिचुएशन 6 o'clock टीवी का है ये शो नारी हूँ नए जमाने में पैदा होते हुए भी तुलसीदास जी के टाइम का पालन करने वाली हूँ आपने मुझे अंदर आने के लिए कहा क्या मैं तो भूल ही गई बेटिया अरे अरे रहने दो ना मुझे आशीर्वाद दीजिए शादी हुई वेटिंग लिस्ट में हूँ तो तुम्हारी शादी जल्दी ही होगी आओ तुम्हारा नाम क्या है संध्या अच्छा नाम है मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ क्या अरे तुम तो बहुत अच्छी हो आपने मुझे कॉफी के लिए पूछा क्या अरे भूल गई अभी नहीं 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 मुझे कॉफी टी की आदत नहीं है सुबह सुबह रोटी और प्याज ही खाती हूँ बस तुम तो इस दौर की लड़की नहीं लगती हो बेटी आपने बिल्कुल सच कहा बैठो पहले आप बैठिए हम लोग जर्मनी टीवी से आ रहे हैं आ जाओ ये हमारा ही स्टाफ लोग है। ये शैलू है वो हमारा कैमरा मैन है माँ की भावना पर हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं आपका इंटरव्यू चाहिए मेरा इंटरव्यू प्लीज मना मत कीजिए पापी पेट का सवाल है मना मत कीजिए प्लीज वो क्या है ना मुझे आदत नहीं है मुझे बहुत डर लग रहा है डरने की कोई बात नहीं है आप अभी मुझसे जैसे बात करिए वैसे ही बात कीजिए ठीक है ये सब हाँ क्या क्या है ये सब हाँ ए क्या कर रहे हो तुम लोग हेलो सुनो ये घर है स्टूडियो नहीं है चलो निकलो ये है संध्या जर्मनी टीवी में काम करती है इसका टॉपिक है माँ की भावना मेरा इंटरव्यू लेने आई है मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है माँ की भावना के बारे में अगर आपका बेटा बात करे तो और अच्छा रहेगा करेक्ट सुन राकेश माँ की भावनाओं के बारे में तू बोल मैं सुनूंगी माँ की भावनाओं के बारे में तुम नहीं जानती नहीं जानती क्यों? मेरी माँ नहीं है इसलिए बेचारी इसीलिए पूछ रही है बोल ना राकेश मेरे लिए यहाँ बैठ जाइए चलेगा थैंक यू सो मच स्टार्ट मक्खन जैसा नरम होता है माँ का मन सृष्टि में पहली आवाज होती है ओमकार की मन से पहला शब्द निकलता है माँ का बचपन की एक कहानी याद आ रही है एक आदमी ने एक लड़की से प्यार किया उसकी प्रेमिका ने एक दिन उससे माँ का दिल मांग लिया उसने अपनी माँ के पास जाकर कहा माँ मुझे तुम्हारा दिल चाहिए तब माँ ने अपने बेटे की खुशी के लिए अपना दिल निकाल कर दे दिया खून से सना माँ का दिल लेकर वो प्रेमिका को देने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगा रास्ते में ठोकर खाकर वो नीचे गिर पड़ा हाथ में पकड़ा हुआ माँ का दिल दूर जाकर गिर गया वो दिल अपने बेटे को देखकर बोला बेटा इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो चोट तो नहीं लगी खून तो नहीं निकला ना ये होती है माँ की ममता माँ की भावनाओं को अनुभव किया जाता है बताया नहीं जा सकता एक आदर्श बेटे को जन्म देने वाली एक महान माँ हो मैं चलती हूँ आंटी थैंक यू सो मच देखा तुमने अपने बातों में फंसाकर उसका क्लोजअप कैसे ले लिया मैं अपनी माँ की बात को कभी नहीं डालता इसलिए इंटरव्यू दिया वो रिकॉर्ड किया हुआ कैसेट दे दो लाओ दो दे दो फिर कभी ये ड्रामा नहीं होना चाहिए आइए सर देखिए
इस बीपीएल में आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। दर्शकों को वीडियो भी अच्छा आता है और साउंड भी अच्छी आती है। आइए बैठिए सर, लॉयर राकेश के बारे में बताने वाले हैं। लॉयर राकेश जी के जनसेवा के बारे में आपको दिखा रहे हैं। न्याय के लिए कोर्ट में ही नहीं जिंदगी में भी लड़ने वाले इंसान है लॉयर राकेश। गरीब लोगों के लिए वो भगवान है। उनकी जिंदगी में अक्षर ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं। बोलने से ज्यादा करके दिखाने से ही जिंदगी सफल होती है, इसका सबसे बड़ा सबूत लॉयर राकेश जी हैं। शैलू, राकेश जी का प्रोग्राम टेलीकास्ट करने से मना किया था ना? हाँ तो बोली तो थी। फिर क्यों? जानते हुए भी तुमने? जानती हूँ, घबराती क्यों हो? मैंने ही किया है। पब्लिसिटी इंटरव्यूज नहीं नहीं कहकर सब कुछ कराने वाले बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं में से राकेश एक है। ज्यादा मत सोचो और डरना मत। अरे ये हमारे लिए मामूली सी बात है। शैलू, एडिटिंग रूम से होकर आती हूँ, बाय। Excuse me, Sandhya कहाँ है? Chamber 2 में है। एक दूंगा ना, मेरा इंटरव्यू टीवी पर क्यों आया? किसने परमिशन दी उसे टेलीकास्ट करने की? मेरे पेशे के खिलाफ है, मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। जानती हो ना मुझे पब्लिसिटी पसंद नहीं है। अरे मैं तुम्हें जोकर लगता हूँ क्या? तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? कल मेरे बेडरूम और बाथरूम तक पहुँचाओगी क्या? सॉरी, अंग्रेज ये एक शब्द दे गए हैं, सबके लिए बस सॉरी बोल दो। मिस्टर राकेश, हाँ मैं हूँ जेमिनी टीवी। कांग्रेचुलेशन, आपकी टीवी इमेज के लिए मेरी इमेज खराब की, मेरी लाइफ से अपना बिजनेस कीजिए, बस यही चाहते ना? नहीं सर, आपकी परमिशन से टीवी में प्रोग्राम चल रहा है, मुझे पता था, लेकिन मैं सच समझ गया हूँ। सॉरी सर, जो भी हुआ उसके लिए टीवी पर माफी मांग लूंगा। इंसान कोई खेलने की चीज नहीं होती, माइंड इट। हाय, हेलो। हेलो, मैं संध्या की फ्रेंड हूँ। टीवी में प्रोग्राम दिखाया इसलिए आपके बेटे ने संध्या को बहुत डांटा। संध्या को बहुत बुरा लगा, उसका नतीजा संध्या ने आत्महत्या करने की कोशिश की। सही वक्त पर अगर मैं नहीं पहुँचती तो संध्या की लाश मिलती। गुस्सा करने की भी एक सीमा होती है, बता दीजिए अपने बेटे को। ये क्या पागलपन है संध्या, गुस्से से उसने कुछ कह दिया तो जान दे देगी क्या? अगर कुछ हो जाता तो उसे कितनी तकलीफ पहुँचती? क्या उसे सच में तकलीफ पहुंचती? क्यों, वो इंसान नहीं है क्या? मैं राकेश से प्यार करने लगी हूं। संध्या, क्या प्यार करना गलत है? राकेश के मामले में ये गलत है और पाप भी है, पागलपन है। संध्या, 5 साल पहले मेरा राकेश कैसा था तू नहीं जानती। हंसते और सबको हंसाते हुए रहता था, तुझे नजर लग जाएगी ऐसा मैं कहती थी। मैंने खुद कितनी बार अपने हाथों से उसकी नजर उतारी थी। वो दिन, वो खुशी, वो आनंद मैं अभी तक भूल नहीं पाई।
हमेशा रहो हैप्पी किसी से कभी तुम डरो ना करो सदा दिल की हमेशा रहो रेडी पीछे कभी भी तुम हटो ना आरजू जस्तजू पूरी करो दिल की ये मर्जी से अपनी जियो तुम जिंदगी लाइफ की स्टोरी पढ़ ले तू जरा मामा 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 क्या ही ड्रामा मामा 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 करो रे हंगामा तुन्ना 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 चमके करो ड्रामा मामा 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 करो रे हंगामा तुन्ना 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 चमके करो ड्रामा मामा 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 Gita, Rita, Radha, high class item. Fail, smile, hide, wait, kya baat hai, kya scene hai? अनोखियां तैयारों पे जान फिदा सारे जहां में हम सबसे जुदा साइलेंट ना हम रहे टैलेंट से भर रहे बाजी ना हम हारे जीते हम सदा कौन है ऐसा जो हमसे ले पंगाए विक्ट्री हमेशा टारगेट है मेरा लाजवाब बेमिसाल हम तो है जवाब मामा मामा करो रे हंगामा मामा 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 करो रे हंगामा तूना 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 जम के करो ड्रामा मामा 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 करो रे हंगामा तूना 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 जम के करो ड्रामा मामा 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 करो रे हंगामा तूना 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 जम के करो ड्रामा मामा 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 के पिताजी ने राजनीति में कदम रखा और एमएलए का पद भी जीत लिया। उनकी अच्छाई गायब हो गई। उनका मन बदले इसके लिए बहुत सारी पूजाएं भी की। हेलो, हर एक एमएलए को 25 लाख दूंगा। मुझे मिनिस्टर बना दे, सीएम से कहो। वाह, क्या बात कही है, जैसे सब्जी में प्याज का छौंका। ये सौदा नहीं होगा ब्रदर। क्यों 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 भला? क्योंकि तुम मिनिस्टर बनते महीने का 1 करोड़ के हिसाब से साल के 12 महीने में 12 करोड़ रुपया तुम कमाओगे तो 5 साल में 60 करोड़ रुपया कमाओगे। तब हमको क्या मिलेगा? बाबा जी का घंटा, ऊंट के मुंह में जीरा। देखिए ताराचंद जी, आप हर बार हमारे साहब के मामले में अड़चन डालते रहते हैं। छुरी तलवार बॉम्ब के बारे में मैं नहीं जानती, वो मीटिंग में है। साहब गिर गए, साहब जी को बुला लीजिए। साहब जी मीटिंग में, तू अब जा। अरे सुनिए तो। अरे बोला ना, जा एक बार साहब जी को बोल दीजिए। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा, तू जा। ऐसा नहीं है ताराचंद। माँ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? डरने वाली कोई बात नहीं बेटा। ए, पिताजी को बताया? बताने गया था लेकिन साहब मीटिंग में थे, मैं अंदर नहीं जा सका। राकेश, अरे मालिक ऑर्डर है, वहाँ सीएम साहब सीढ़ी से गिर गए, बहुत सीरियस है, आप लोग चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, सीढ़ी से गिर गए? अरे क्या हो गया पिताजी? सीढ़ी से सीएम साहब नहीं गिरे हैं, माँ गिरी हैं, ये बताने के लिए आया हूँ। यू रास्कल, माँ को बहुत चोट लगी है। इधर मुझे भी चोट लगी है। प्लीज अब तुरंत चलिए। क्यों, तुलसी जल पिलाना है? उसके बाद भी वो नहीं मरेगी। पिताजी आप बहुत बदल गए, राजनीति के कीचड़ सने जानवरों के बीच रहकर आप भी जानवर बन चुके। राकेश, राजनीति आपके लिए बीवी से बढ़कर है। हाँ, मेरी पत्नी और तुमसे भी ज्यादा। सीएम जी सीरियस है, ऐसा झूठ बोलना और इन्हें भी जानवर बोलना, अगर हाई कमांड को पता चल जाएगा तो मेरा राजनीति भविष्य का क्या होगा? बोलो, सबको सॉरी बोलो, बोलो। सॉरी, मैं क्यों सॉरी बोलूं? मेरी इज्जत घटाया इसलिए सॉरी बोलो। इज्जत? मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि माँ को चोट लगी थी। बोलेगा या नहीं बोलो, बोलो। सॉरी। ठीक से सुनाई नहीं दिया, बोलो बोलो। सॉरी। सबको ठीक तरह से सुनाई नहीं दिया इसीलिए जोर से बोलो। सॉरी। उम्र चढ़ रही है ना।
आपको लगता है मैंने आपके लिए सॉरी बोला है तो आप गलत सोच रहे हैं। मैंने अपनी माँ के लिए बोला है। राकेश और उसके पिताजी का झगड़ा ना हुआ हो ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा। राजनीति के चक्कर में अपने परिवार से दूर होते हुए देखकर राकेश हर पल दुखी रहता था। मैं राकेश की माँ ही नहीं बल्कि एक सहेली भी हूं, इसीलिए वो अपनी सारी बातें मुझे बताता था। अपने प्यार के बारे में भी बताया। उस दिन नाग पंचमी थी। वहां पर नहीं है, यहाँ है। हाँ। अच्छे से किया दर्शन। हाँ, अच्छे से कर लिया। एक बार और कर लो। रहने दे चलो। अरे एक बार और करने के लिए तो चलो। सारा इंतजाम तुम लोग ठीक से कर लोगे ना? ऐसा ही होगा। तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्कार जी। चलो सुरेखा। नमस्ते। नमस्कार जी। वो कौन थे? ये बड़े धर्मात्मा हैं, नाम है विश्वनाथ। और वो लड़की कौन थी? वो उनकी बेटी है। अच्छा, और उनका एड्रेस क्या है? बेटी सुरेखा। जी पिताजी। मैं मंदिर जाके आता हूँ बेटी। Just get too much. Yeah. पेपर पेपर। वैसे आज अभिषेक लेट होने वाला है, आराम से जा सकता हूँ, मैं बताना भूल गया था। जरा कॉफी तो पिला दे बेटा। ठीक है पिताजी। हाँ
आरती का समय हो चुका है, चलो बेटी तुम लोग बाकी का दो परिक्रमा करके आ जाओ। दो और? अरे भाई यहाँ आना। क्या है सर? जरा हेल्प कर देना सर। अरे आना क्या सर? अरे बैठ जाइए। हाँ रख दो। बापरे, मैंने पहले तुम्हें कभी इस मंदिर में देखा नहीं है। तुम्हारा नाम? राकेश। अच्छा है, पाल के उठाया, बहुत अच्छा फल मिलेगा। आज की रात अगर आग पे चल दिए तो और ज्यादा फल मिलेगा। आग पे चलना होगा? हाँ, तुम जो चाहोगे वो मिल जाएगा। जो चाहूंगा मिल जाएगा? जरूर मिलेगा। शास्त्री जी, उत्सव विग्रह को अंदर लेकर आइए। जो चाहूंगा मिल जाएगा ना? जो भी चाहूंगा। करना पड़ेगा प्यार में आग पर चलना भी फूलों पर चलना जैसा लगता है बेटा। अच्छा लगता है ना? क्या अच्छा लग रहा है माँ, मेरी तो जान निकली जा रही है। नहीं तो सुरेखा को बुला लो। अभी तो शुरुआत हुई है माँ, इतनी जल्दी मत करो। अरे माँ, माँ सुन, माँ नहीं सुरेखा को बुलाओ, दर्द खत्म हो जाएगा। सुरेखा, चढ़ रहा खुमार है, हो गया है तुमसे प्यार प्यार प्यार। दिल का खो रहा करार है, हो गया है तुमसे प्यार प्यार। मैं यार सही जाए दूरियां, अब इंतजार हमसे होता ना। डूब जाए हम तुम प्यार में, चल रहा खुमार है, हो गया है तुमसे प्यार प्यार प्यार। सपने तेरे ही देखूं, मुझको ये क्या हुआ। तुझको ही देखो, तुझको ही सोचो, हाल है ऐसा मेरा। होंठों पे मेरी बातें हैं तेरी, बस ख्याल तेरा। ऐसा पहले कभी नहीं मेरे साथ हुआ था। दिल ये मेरा पहले कभी ऐसे नहीं मचला। दीवाने हम प्यार में हुए, चढ़ रहा खुमार है, हो गया है तुमसे प्यार प्यार प्यार।
बीमारी है, ये बेकरारी है, बस में नहीं है ये दिल। हर पल रहो तुम सामने मेरे, चाहे मेरा दिल। तेरी मेरी चाहते कहीं हालते कहीं हमारी, तेरी मेरी राहें एक ही मंजिल भी हमारी। प्यार में मस्तियाँ, दिल पे चढ़ रहा खुमार है, हो गया है तुमसे प्यार प्यार प्यार। दिल का खो रहा करार है, हो गया है तुमसे प्यार प्यार। न यार सही जाए दूरियाँ, बोलो पानी चाहिए? नहीं नहीं राकेश, तुम लोग बहुत पैसे वाले और पहचान वाले हो, हम लोग मध्यवर्गीय हैं, इसलिए शादी की बात तो आज ही कर लूंगा। आज मैं और पिताजी पूजा के लिए श्रीशैलम जा रहे हैं। गुड, अच्छी बात तो अच्छी जगह पर ही की जाती है ना। चलो क्या तुम श्रीशैलम चलोगे? वाह वाह वाह, जैसे गार्डन में पौधों की छटाई की जाती है वैसे यहाँ बैठकर सब्जी काट रही हो माँ, क्या कटेंगे, वाह क्या कटेंगे। बताने वाला पॉइंट कट किए बिना असल बात क्या है ये बता। यही तो माँ, सुरेखा है ना, शादी शादी कर करके दिमाग खा गई है। मैंने भी कह दिया परेशान करोगी तो दूसरी जगह शादी कर लूंगा। सही कहा तूने, दूसरी लड़की देख लेंगे। अरे नहीं माँ, सुरेखा बेचारी छोटी सी बच्ची है। छोटी बच्ची है तो जल्दबाजी क्यों कर रहा है, उम्र तो आने दो। सुनो 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 सुनो, जलेबी में मिर्च क्यों डाल रही हो? सुरेखा से मिलने के लिए आज श्री शैलम जा रहा हूँ। अब आया ना रस्ते पर, अपने पिताजी को बताया क्या? हाँ उन्हें बताऊंगा तो सुनेंगे क्या, आज तक हमारी कोई बात सुनी है? देखो वो खुद ही आ रहे हैं। वैसे ही करना, सब कुछ याद है ना। सुनिए जी, कहाँ जा रहे हैं? सर थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। क्यों? काम के लिए निकलते वक्त पूछना नहीं चाहिए कि कहाँ जा रहे हो। एक बार आपके असेंबली जाते वक्त मेम साहब ने ऐसा सवाल किया था, जानते हैं ना क्या हुआ था? उस दिन असेंबली में लफड़ा हो गया था, किसी ने माइक फेंक के मारा था, आपका खून भी निकला था। माफ कीजिए आपकी हड़बड़ी देखकर। शादी की बात है, राकेश की शादी प्रेसिडेंट जी की बेटी से तय करने के लिए श्री शैलम जा रहा हूँ। श्री शैलम जा रहे हैं राकेश की शादी के लिए? उसे बताया आपने? क्यों बताना जरूरी है? सुनिए जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। क्या है महेंद्र ये सब? अरे भाई मुझे हार चढ़ाने से क्या मिलेगा, राजनेताओं को भगवान से ज्यादा भक्ति देश से होनी चाहिए, तभी देश की प्रजा खुश रहती है। कितना अच्छा सुझाव दिया आपने। गुणगान मेरा नहीं भगवान की करो। क्यों महेंद्र, हाउ इज राकेश? ठीक है सर। सर आपसे एक जरूरी बात करनी है। घर की राजनीति के बारे में या देश की राजनीति के बारे में? दोनों के बारे में। रुक रुक। तुम्हें मुझसे मिलने आए हो या पिताजी से मिलने? दोनों काम करने आया हूँ। प्रेसिडेंट जी, अच्छी जगह मुलाकात हुई, मेरे बेटे ने लॉ पास कर लिया है, इकलौता बेटा है, मेरी इच्छा है कि आपकी बेटी को अपनी बहू बना लूं। ठीक है, हमें राजनीति में आगे बढ़ना है तो रिश्तेदारी बना ही लेते हैं। पार्लियामेंट के चुनाव के पहले ही शादी कर देते हैं। ओके। ओम शतंजय वशर्दो वर्धमाने शतमो भवति शतमो। प्यार का विरोध करना मतलब भगवान का विरोध, शास्त्रों में भी लिखा है, मना मत कीजिए। देखिए भगवान ने भी मंजूरी दे दी। सुरेखा आजा। शीघ्र में वह कल्याण प्राप्त रस्तु। ठीक है तो एक काम करते हैं, मेरी बात रखने के लिए प्रेसिडेंट की बेटी से शादी कर लो, तुम्हारी बात रखने के लिए सुरेखा को रख लो, बस। राजनीति के लिए ना तो मैंने अपने आप को कभी इतना गिराया है और ना गिराऊंगा। राकेश
अपने पिता के खिलाफ जाओगे। क्या आपने मुझसे पिताजी की तरह बात की? आज अपने फायदे के लिए बाप बेटे का रिश्ता याद आ गया। वो याद है इसीलिए तो तुम्हारी शादी बड़े लेवल में फिक्स किया। बड़ा लेवल? कौन सा लेवल? 6 फुट का हो चुका हूँ, इस लेवल को और कितना बढ़ाएंगे? आपको राजनीति करनी है कीजिए, लेकिन मेरी जिंदगी और भविष्य से मत खेलिए। आपको क्या है, आप मेरी खुशी नहीं चाहते? जिससे अपनी संतान से प्यार होता है, जो जी जान से बेटे को चाहता है, वो कहलाता है पिता। लेकिन इनसे आपका कोई नाता नहीं। आप जीते हैं सत्ता के लिए, आप जिएंगे सत्ता के लिए, और जब मरेंगे तो भूत बनकर सत्ता के लिए भटकेंगे। राकेश, जानती हो कि मैं कौन हूं और कैसा इंसान हूं। लाशों से खेलता हूं। राकेश के साथ फिर कभी दिखोगी तो मार डालूंगा। मेरे पिताजी यहां क्यों आए थे? मारने की धमकी दी ना? राकेश, हमारा मिलना या हमारा शादी होना उन्हें पसंद नहीं है। उनका नेता बनना राष्ट्र को पसंद नहीं है तो क्या वो राजनीति छोड़ देंगे? तुम घबराना मत, हमारी शादी कौन रोकता है और कैसे रोकता है मैं भी देखता हूँ। राकेश, आप लोगों ने देखा, अपने प्यारे मुख्यमंत्री जी के नाम से मैं जल्द ही बनाने वाले इस भवन को उनके नाम से इसे राष्ट्र को अंकित कर दूंगा। जब ये रेडी हो जाएगा तो ताजमहल का बाप लगेगा। चलो 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 चलो। में से नहीं हूं जिसके एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा सामने कर देता है। मेरे एक गाल पर थप्पड़ मारोगे तो पलट कर दोनों गाल पर मारूंगा। राकेश, पिता होने के नाते एक गाल पर मारोगे तो मैं राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए दोनों गाल पर मारूंगा। राकेश, तू ये क्या बोल रहा है? चल अंदर। पूछो सुरेखा को क्या धमकी दी है। मार डालने की वार्निंग दिया है। क्यों जी, ऐसा क्यों किया? hey, अपना मुंह बंद रखो। आपका मुंह बंद कराने में आया हूँ। आप सुरेखा को कैसे मारेंगे मैं भी देखता हूँ। मैंने जिससे रिश्ता तय किया है उससे तुमने शादी नहीं की तो उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके तुझे प्रेजेंट कर दूंगा। करके दिखाइए। चीते जी, आपकी चिता को आग लगा दूंगा। तू सच में मेरा ही बेटा है ना? जाकर असेंबली से पूछो। राकेश, एक बाजारू औरत के लिए अपने पिता को धमकी दे रहा है। सुरेखा नहीं, तुम हो बाजारू इंसान। सत्ता के लिए अपने बेटे और अपनी बीवी को ही नहीं, यहाँ तक कि अपनी माँ को बेचकर खाने वाले महानुभाव हो। इसके बाद भी आपको पिता कहने में जब मैं नहीं शर्माता तो सुरेखा को बहू बनाने में आपको शर्म क्यों आ रही है? कान खोल के सुन लो, वो मेरी बहू नहीं बन सकती है। आपके मना करने के बाद भी सुरेखा हमारी बहू बनी। शारदा, मेरे लिए आपके गुस्से से ज्यादा माँ का आशीर्वाद जरूरी है। कल लॉ डिग्री लेने जाऊंगा, वहाँ से आकर सुरेखा के गले में मंगलसूत्र पहनाऊंगा। चलो माँ। राकेश के इस बर्ताव के बाद उसके पिताजी का गुस्सा और भी बढ़ गया। पार्टी के प्रेसिडेंट की बेटी के साथ शादी नहीं होगी तो राजनीति में बढ़ने का मौका छूटने के डर से वो पागलों जैसे बर्ताव करने लगे। वो नवरात्रि के दिन थे। एक दिन सुरेखा के घर पर एक आदमी को भेजा। राकेश का एक्सीडेंट हुआ ऐसा सुरेखा को बताया। राकेश के लिए सुरेखा हॉस्पिटल में दौड़ती हुई गई और मासूम सुरेखा के लिए हॉस्पिटल को होटल में बदल दिया। वो एक कमरे में गई। राकेश के बदले में दूसरे आदमी को देखकर वो डर गई। वेश्या के रूप में सुरेखा अरेस्ट हो गई। मैं कुछ नहीं जानती, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। होटल के बाहर सुरेखा ने महेंद्र सिंह को देख लिया और अपने स्वार्थ के लिए महेंद्र सिंह ने सुरेखा को एक चीज की तरह इस्तेमाल किया। नहीं, नहीं, मैं वेश्या नहीं हूँ, छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं वेश्या नहीं हूँ। भगवान सिर्फ अच्छाई करते मानने वाले सुरेखा के पिताजी
खुद के अपमान से दुखी हो गए। बेल पर सुरेखा को छुड़ाने के लिए उसके पिता स्टेशन पहुंच गए। पिताजी, पिताजी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया पिताजी, पिताजी। उस हादसे के बाद उन्हें भगवान के द्वार भी खुले नहीं मिले। आंख बंद करने से पहले वो अपना दुख भगवान को बता नहीं पाए। सुरेखा ने महेंद्र सिंह पे हमला किया। सारे दुनिया को नचाने वाले महेंद्र सिंह को एक मामूली लड़की क्या कर पाएगी। सुरेखा पागल हो गई ऐसे झूठ बोलकर उसे पागल खाने भेजने के लिए महेंद्र सिंह ने आदमियों को कहा। लॉ डिग्री पाने के बाद राकेश सुरेखा से शादी की बात करने के लिए बड़े खुशी से सुरेखा के घर आया। राकेश की जिंदगी में गुस्से ने, आक्रोश ने उसी पल जगह बना ली थी। अपने पिता से उसका युद्ध शुरू हो गया था। सुरेखा पागल है, उसकी चाल चलन ठीक नहीं है। सुरेखा महेंद्र सिंह को मारने की कोशिश कर रही है, ऐसे कहकर कई केस दर्ज किए महेंद्र सिंह ने। सुरेखा को कोर्ट लेकर आए। उसका केस लड़ने के लिए कोई भी लॉयर आगे नहीं आया। राकेश को लॉयर का अनुभव ना होते हुए भी सुरेखा की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो गया। अनाथ हो गई, न्याय लावारिस हो चुका था, सच रो रहा था। गांव, सबूत, सारे लोगों को महेंद्र ने खरीदा था। बिना अनुभव वाला राकेश महेंद्र के अधिकार, बदमाशी, पैसा इन सब के आगे हार गया था। हारी हुई नीति और सच को देखकर सुरेखा सच में पागल हो गई थी। वैश्या के रूप में पकड़ी जाने वाली सुरेखा पागल है और इसका बाहर रहना समाज के लिए हानिकारक है, इसलिए इसे तुरंत मेंटल हॉस्पिटल भेजकर इसका इलाज कराने के लिए पुलिस शाखा को आदेश दिया जाता है।
ब्लडी मर्डरर, मेरी सुरेखा को मार दिया, क्यों मार डाला? हाँ? क्या किया था उसने? उस मासूम को मार डाला? यू ब्लडी, आप मर जाइए, आप मर जाइए। राकेश, राकेश छोड़ बेटा, उन्हें मारना मत, तू भी हत्यारा बन जाएगा, तो मेरा क्या होगा बेटा? नहीं राकेश, प्लीज प्लीज उन्हें मत मारो, छोड़ दो। इन्होंने सुरेखा को मार दिया माँ, ये हत्यारे हैं माँ, ही मर्डर, इन्हें मारना चाहिए माँ, इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। छोड़ दे, दे दे मुझे रिवॉल्वर, मत मार बेटा, तू भी हत्यारा बन जाएगा। नहीं बेटा, मैं नहीं जी सकती तेरे बिना। माँ, इन्होंने मेरी सुरेखा को मार दिया, ऐसे ही मार दिया, कोर्ट में पागल बना दिया, पागल की तरह भाग गई माँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, ट्रेन के नीचे आकर मेरी आंखों के सामने सुरेखा मर गई माँ, मर गई माँ, मैं तारों में फंस गया था माँ, वरना मैं सुरेखा को बचा लेता माँ, वो बदनामी सह नहीं पाई, आत्महत्या कर ली माँ, आत्महत्या। इन सब का कारण तू है, मैं तुझे मार देता, I will kill you, लेकिन मेरी माँ के लिए, मेरे माँ के लिए तुझे छोड़ रहा हूँ। माँ, इसके साथ नहीं माँ, इस हत्यारे के साथ नहीं, आज इसने सुरेखा को मार दिया, अब हम इस घर से चले जाएंगे। हाँ माँ, हम चले जाएंगे माँ, हाँ चलेंगे ना माँ, हाँ मिस्टर मर्डरर, हम लोग जा रहे हैं, इसी पल से तू हमारे लिए मर चुका है। हाँ, किसी अच्छे आदमी के पास भेजेंगे बोलकर तेरे पास भेज दिया ना यार। मतलब मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ ऐसा समझते हो? वो तो मैं पहले ही समझ चुका हूँ। ये देखो सूरी बाबू, ये लिखने की जगह है, वो बैठने की जगह है, ये सरकारी बस की सीट नहीं है, यहाँ से उठकर वहाँ बैठो। अच्छा, वैसे आप तो छुपे रुस्तम निकले। देखो फालतू की बकवास बंद करो, क्यों आए हो ये बताओ। कुछ नहीं भाई, वो अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाहता हूँ ना, उसके लिए बिल बनानी है मुझे। इतना ही ना? पहले भी बता सकते थे ना। मेरी जायदाद किस किस के नाम करनी है बताता हूँ, उसके नाम से बिल बनाकर सेटलमेंट कर दीजिए। ठीक है, बोलो। रुक जा, अपने हाथ जोड़। इसलिए? इतनी भी अकल नहीं है भगवान के आगे? तू पागल है क्या? भगवान को नहीं मानता? मैं अपनी जायदाद का बंटवारा कर रहा हूँ और तू भगवान को याद किए बिना काम कर रहा है? नहीं देखो, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अम्बावाड़ी में 5 एकड़ नारियल का बगीचा है, 2 एकड़ मेरे बेटे के नाम पर, और 3 एकड़ मेरी बीवी के नाम पर। मेरी बीवी के लिए? तुम्हारी बीवी के लिए? मेरी बीवी के लिए नहीं। हाँ बोलो। वासनपुर में 6 एकड़ मछली का तालाब है, 3 एकड़ मेरे भाई के नाम पर, और 3 एकड़ मेरे बेटे के नाम पर। लिखा ना? लिख दिया, बोलो। नाला सुपारा में 1 ताड़ी का बगीचा है और 1 घर है, वो मेरी सेकंड सेटअप के नाम करना है। सेकंड सेटअप? अब एक गांव के चलते फिरते एंटरटेनमेंट, यहाँ मैं इतनी पढ़ाई करने के बाद इस लेवल तक पहुँचा हूँ, मेरा फर्स्ट सेटअप नहीं हुआ है और तूने सेकंड सेटअप कर लिया। और नहीं तो क्या, तुम्हारी शक्ल देखकर कोई लड़की देगा क्या? तो फिर सज रही है गली तेरी अम्मा, चुनार गोटे में ऐसे लग रहा है तू। देख यहाँ तू पर्सनल बात नहीं कर सकता। मुंबई नगरी का समुद्र अरे और दिल्ली का विधानसभा,
अरे तेरी जायदाद को आग लगे। अरे तू टाटा का भाई है या बिरला का साला है, वो सब जाने दे। अब तक तूने जितनी जायदाद बताई उस सब जायदाद के दस्तावेज किधर है बे? किधर है मतलब क्या? उन्हीं के पास है। उनके पास क्या कर रहे हैं? अरे आप समझे नहीं, कल से मैं कमाना शुरू करूंगा, उसके पास सारी चीजें अपने नाम पर करूंगा। कल से कमाने वाला है? हाँ। उसके लिए तू मेरे पास बैठ कर मुझसे पेज पर पेज लिखवा रहा है। अरे एक बात बता, तू मुझे क्या समझता है बे? अरे अभी तो बताया था ना। क्या बताया था? सज रही है तेरी अम्मा चुनर गोटे में, चुनर गोटे में। मैं क्लास में फर्स्ट आया, मेरा रिपोर्ट देखिए। वेरी गुड राजू। अंकल मैं भी आपकी तरह पढ़ाई कर बड़ा लॉयर बनूंगा। चुप रहे, इतनी भी पढ़ाई की है तो ये इनकी मेहरबानी है, तेरे लिए इतनी पढ़ाई काफी। ऐसा मत कहिए बहन जी, राजू को और पढ़ना है, आगे बढ़ना है। सब आपकी मेहरबानी है साहब, अगर ऐसा हुआ तो जिंदगी भर हम आपका ऐसा नहीं भूलेंगे। अंकल मैं भी आपकी तरह बड़ा लॉयर बनूंगा। जरूर बनोगे, ये लो। जय राम जी। आज तो गई। सो मिस संध्या, मरना चाहती हो? अच्छा विचार है, लेकिन मेरी कार जरा छोटी है, चूहा भी नहीं मरेगा। वहां देखो, बड़ी गाड़ी है, ट्रक आ रहा है, उसके सामने जाओ, डेफिनेटली विश यू हैप्पी डेथ। ए, मर जाएगी। तुम्हें इससे क्या, मरने दो मुझे, मेरी जिंदगी है मेरी मर्जी। राकेश, मैं सच कह रही हूँ राकेश, जो कुछ भी हुआ वो सब एक लेटर में लिखकर मैं मरना चाहती थी। मैंने सोचा कम से कम मेरी लाश को देखकर तुम मुझे समझ पाओगे, ये देखो। मतलब तुम कुछ भी नहीं जानती? कैमरा की कसम। ठीक है ठीक है। अरे अरे ये क्या हुआ? अरे ए, ए, क्या करे? ये क्या मुसीबत है? ओ गॉड, संध्या अच्छा चांस है, चिपक जा। बाप रे कितनी भारी है। ए बाहर निकल, आउट आउट। ये क्या है? क्या है ये सब? राकेश,
I love you. Huh? Do you love me? Auto. Auto क्यों राकेश? हम लोग कार में चले जाएंगे. No problem. मुझे problem है. जाओ. कैसे राकेश? चोट पहुंची है ना? अकेली लड़की इसके साथ कैसे जाऊंगी राकेश? हाँ 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 हाँ. चला जा. राकेश. आजा. राकेश. कोई बात नहीं. बैठ जा. बैठ जा. भाई. तो मुझे जाओ तो अकेली के साथ भेज रहे हो. आजकल ज़माना बहुत ख़राब है. मेरी बात सुनो. आज के बाद तुम्हें कभी नहीं मिलूँगी. हेलो. अच्छा ठीक है. हाँ मैं संभाल लूंगी. राकेश. क्या हुआ माँ? ये खून कैसा? क्या हुआ? थोड़ी चोट लग गई. कहाँ? मुझे नहीं माँ, संध्या को. संध्या कौन है वो? भाई टीवी वाली लड़की. ओहो माँ वो लड़की बहुत चिपकू है. कौन सी लड़की? भाई माँ वो टीवी वाली लड़की संध्या. अरे रे सारे फूल मुरझा चुके हैं, पानी डालना पड़ेगा. कार से आ रहा था बीच में आ गई. मरना चाहती थी, मरने दो, आई डोंट केयर. उसके बाद क्या हुआ? ट्रक के नीचे मरने को रेडी हो गए. अरे रेडी से याद आया, गुमास्ता से कहकर दो एवरेडी सेल मंगवाने हैं. मंगवा लेंगे माँ. देख रही है ट्रक आ रहा है फिर भी निडर होके खड़ी रही. हाँ गैस बंद करने भूल गई. बात तो सुनो माँ, बचाने के लिए गया नीचे गिर गई, सर पर चोट लग गई, ऑटो में बिठा के भेज दिया. ऑटो में बिठाया? ऑटो में? अरे रे ड्राइवर अच्छा इंसान होगा तो ठीक है, अपनी बातों में बहका कर उस लड़की के साथ कुछ करेगा तो हमें क्या करना है. लेकिन ऑटो वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. कौन से हॉस्पिटल में होगी, किस हाल में होगी पता नहीं. हेलो गोविंद हॉस्पिटल. यस. आपके यहाँ संध्या नाम की कोई लड़की भर्ती हुई है? हाँ सर भर्ती हुई है. कैसी है वो? अच्छी डिलीवरी हुई. डिलीवरी अच्छी हुई? ट्विंस बच्चे हुए हैं, आप उनके पति हैं क्या? ठीक हो जाओगी. हेलो बेस्ट हॉस्पिटल. यस. आपके यहाँ संध्या नाम की कोई लड़की भर्ती हुई है? संध्या तुम्हारा फोन है. हेलो वहाँ संध्या है क्या? तुम कौन हो? मुझे आपसे काम नहीं है तो फोन क्यों किया? संध्या तुम्हारी क्या लगती है? वो तुम्हारी लवर है, तुम्हारी सिस्टर है, तुमने उसे फोन क्यों किया? मैं उसका पति बोल रहा हूँ, मैं एक नंबर का शक्की हूँ. तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुम दोनों का संबंध क्या है? तुम लोग फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे, नेक्स्ट टाइम कहाँ मिलने वाले हो, जल्दी बताओ. तुम्हारा नसीब अच्छा है कि मैं सामने. संध्या घर पर है, नंबर चाहिए? सिर्फ तुम्हारे डांटने से उस लड़की ने ऐसा कदम उठाया. ऐसा क्यों किया बताओ? क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है. संध्या तुम्हारे कल के बारे में, सुरेखा के बारे में सब कुछ जानती है. मैं सुरेखा को नहीं भुला पाऊंगा माँ. कुछ यादों को भुलाने की आदत डालनी चाहिए बेटा, वरना वही यादें हमारी दुश्मन बन जाती है. माँ अब कुछ मत कहो. सुरेखा के हिस्से का प्यार किसी और को देने में कुछ गलत नहीं है. मैं संध्या से प्यार नहीं करता हूँ माँ. प्यार नहीं है तो वो फोन करना, संध्या के बारे में पूछना, उसका क्या मतलब है? वो तो दया है. दया बढ़ जाए तो वो प्यार बन जाता है. सुन संध्या के लिए अगर थोड़ा सा भी प्यार है तो जाकर मिलो उसे. कल सुबह वो चेन्नई जा रही है. देख राकेश इस घर में बहू आए ये मैं भी चाहती हूँ. संध्या मुझे पसंद है. माँ सुनो ना, संध्या के बारे में कुछ बता रही थी ना, स्टेशन गया था, गाड़ी निकल गई. ऐसा क्या? एक फोन करूंगी तो रिसीवर नीचे रखने से पहले यहाँ जाएगी. बुलाओ क्या? मेरा सर दर्द कर रहा है.
संध्या को बुलाओ। माँ एक कॉफी मिलेगी? रेडी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। संध्या तुझे अच्छी नहीं लगती क्या? ऐसा नहीं है माँ, संध्या को ऐसा पागलपन नहीं करना चाहिए था। सुंदर और होशियार लड़कियां बहुत कम होती हैं, और संध्या में सुंदरता और होशियारी दोनों हैं, पर थोड़ी पागल है, यही परेशानी है, वरना वो। ए तुम, स्टेशन, ट्रेन, चेन्नई? स्टेशन गई थी, ट्रेन में भी चढ़ गई थी, वहां तो मुझे हर डब्बे में ढूंढते हुए नजर आ गए, पसीना पोंछते हुए हर डब्बे में ढूंढते हुए। जब मैं तुम्हें ढूंढ रहा था तो बुला सकती थी ना। मैं तुम्हें क्यों बुलाऊं? इतने दिन से मैं तुम्हारे पीछे पीछे भाग रही थी, तुमने मुझे बुलाया क्या? जी तो मैं। अरे अरे मेरी जिंदगी में कोई रंग नहीं है, काला और सफेद यही दो रंग मुझे जमते हैं। ये मत सोचना मुझसे शादी करके सुखी रहोगी, मेरे मूड का कभी कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी अपाक हो बैठता हूँ, कभी निराशा कभी गुस्सा तो वो सब कुछ तो मैं अपने होठों से मिटा दूंगी। तुम्हारी अच्छाई और बुराई देखकर ही तुमसे प्यार किया है। मेरे हरी मिर्च, हरी मिर्च, हरी मिर्च।
साथी हम, जन्मों के मीत हम, साथ हमेशा ये निभाए। तुम हो मेरे तो जीने की वजह, तुम हो बाहों में अपनी भर लो, मुझे तुम रंग में अपने रंग दो। मौसम हुआ सुहाना, आओ प्यार में खो जाएं हम। दिल भी है तेरा, हम भी है तेरे, प्रीत है तुमसे लगाई। शाम सवेरे प्रेम में गुजरे, आए कभी सपना तेरा, दिल में है बस चेहरा तेरा। मेरा अरमा मेरा जहां हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही। दिल भी है तेरा, हम भी है तेरे, प्रीत है तुमसे लगाई। शाम सवेरे प्रेम में गुजरे, आए कभी ना जुदाई। न्याय हो जाएगा, इमरजेंसी मीटिंग रखवाइए। मुख्यमंत्री जी की हालत बहुत खराब है, इसलिए अगला मुख्यमंत्री चुनने की जवाबदारी सिर्फ आप लोगों पर ही है। हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री बनने का हक सिर्फ मुझे है और किसी में नहीं है। चैलेंज। हाँ हाँ, वो बात नहीं है ब्रदर, सीएम बनने के लिए सिर्फ तुम्हें ही मर्दानगी है, ऐसी क्या बात है। लो मैं तुम्हें आज चैलेंज करता हूँ मिस्टर सब्जी में प्याज। लेकिन ये भी मत भूलो कि अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ करके सेकंड सेटअप के साथ जिंदगी गुजार रहे हो, इस बात से जनता पे क्या असर पड़ेगा। वो मेरी पर्सनल है। हाँ ये तो मैं मानता हूँ ब्रदर, पर्सनल है। बीवी को छोड़ करके तुमने एक रखेल को रखा है, ये बात अगर मुख्यमंत्री को पता चलेगा तो अपनी धरती माता और भारत माता के लिए कितना बैड न्यूज होगा मिस्टर सब्जी में प्याज। वो एक ही पॉइंट है ना जो मुझे सीएम बनने से रोक रहा है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कौन रोक सकता है ब्रदर। हाँ लेकिन मुझे सीएम बनने का कोई शौक वोक नहीं है। अरे मैं अपने सेक्रेटरी की शपथ खाकर कहता हाँ। हूँ लेकिन कल को हमारे ऑपोजिशन वाले तुम्हारी प्यारी सी पत्नी को और तुम्हारे लायक बेटे को हमारे खिलाफ खड़ा कर देंगे तो। मिस्टर महेंद्र, मुख्यमंत्री बनने की पूरी काबिलियत तुम्हें है, लेकिन जनता की राय क्या है ये जानना जरूरी है। तुम जल्दी सोच लो, टाइम नहीं है। पीलो नवराजा, पहले दरवाजा बंद कर दो, सारे देश में हमारी ये लव स्टोरी गूंज रही है। गूंजने दीजिए, पब्लिसिटी तो मिल रही है ना राजा। क्या बात है, हवा फिर से पत्नी और बेटे की ओर जाने वाली है। नहीं, धूल मेरे मुंह पर उड़ गया है। पोज दूं क्या? जाओ जाओ, गो 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 गो, अंदर जाओ जाओ। बेडरूम में आओगे तब बताऊंगी। आपके सारे वीक पॉइंट उस तारा चंद को सीएम बनाने के लिए प्लस पॉइंट है। आपका बेटा तो जलता आग का गोला है, वो आपको जला दे उससे पहले मालकिन के पैरों पर मेरा मतलब आपकी पत्नी के पैर पकड़ना सही रहेगा, ये मेरी राय है। करना पड़ेगा सर, राजनीति में थू कहने पर थैंक यू कहना पड़ता है। मान अभिमान देखेंगे तो राजनीति में चलना मुश्किल है सर। अगर आपको सीएम बनना है तो, आपको कुर्सी को पाना है तो करना पड़ेगा सर, मालकिन के पास जाना पड़ेगा। सोचा नहीं होगा ना,
बंधन है शारदा, बंधन दिल है कि मानता नहीं है। बैठ सकता हूं? बैठी ना। कल मैंने अपनी कुंडली दिखाया, राहु काल था इसीलिए हम लोग बिछड़ गए। देखा ना, हमारी गलती ना होते हुए भी ग्रह में कैसे रुला रहे हैं। बैठ जाओ शाला, कॉफी लेकर आती हूँ। लेकर आओ, तुम्हारे हाथ का अमृत पिए कितने साल बीत गए। पावर और पैसा होते हुए भी बीवी के हाथों एक ग्लास पानी नहीं मिलने वाला इंसान बहुत बड़ा बदकिस्मत होता है। अरे फाइल तो भूल ही गए। क्या कहा शारदा, राकेश की शादी मेरे बेटे की शादी है। तुमने कितनी अच्छी खबर दी है शारदा। संध्या एक अच्छी लड़की है, देखा ना, हर काम अच्छे के लिए होता है। बहू के घर में आते ही सारे बिखरे लोग मिल गए। साधारण रीति से रजिस्टर शादी करके वो भगवान का आशीर्वाद लेगा। बहुत अच्छी बात है। बेटा, तेरे पिताजी आए हैं। उन्हें मरे हुए 4 साल हो गए। बेटा राकेश, जाइए। लॉयर अंकल, लॉयर अंकल। क्या है राजू? पेपर में आपकी फोटो छपी है, देखिए। लॉयर साहब, आपकी शादी में मैं आ सकता हूँ? राकेश, राकेश कहाँ चला गया था बेटा? तेरे नहीं आने से मैं कितनी घबरा गई थी बेटा। देखो अपने पति के एडवर्टाइजमेंट देखो, खुश तो हो ना? हाँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ माँ। 4 साल बाद घर आए, प्रेम का झूठा नाटक किया और आपने सब कुछ बता दिया। हाँ? ये देखो, मेरी शादी को अपनी पब्लिसिटी बना दिया। उसने अपने बीवी बच्चे को छोड़ दिया है, जो बदनामी मिटाने आया था, वो ब्लडी चीट। क्या हुआ माँ, वो कैसा इंसान है, भूल गई क्या? 4 साल की शांति छीन ली, वो सब कुछ भूल गई तुम? मंगल सूत्र का मान रख लिया इसलिए रात को घर नहीं आया। फिर कभी महेंद्र सिंह घर आया तो मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ही नहीं बल्कि तुम तो अपनी माँ पर भी बहुत चिल्लाते हो। इतने गुस्से से देख देख कर ही तुम्हारी आंखें लाल हो चुकी हैं, जानते हो तुम? माँ ने क्या गलत किया? अपनी जिंदगी के 25 साल जिस पति के साथ गुजारे, अगर वो 4 साल बाद आए तो उसे बात करना गलत है क्या? घर आए पति से बात नहीं करना चाहिए, ऐसे तुम्हारे लॉ की किताबों में लिखा है क्या? दिखाओ सारा। अपने पति को छोड़कर तुम्हारा साथ दिया, भूल गए हो क्या तुम? इतने सालों से तुम्हारे लिए परेशान थी लेकिन अपने पति के लिए कभी नहीं सोचा। अपने पागल गुस्से से एक अच्छी माँ का दिल दुखाया है तुमने। ओके ओके, बोला ना, गुस्से में पागल हो गया था इसीलिए चिल्लाया। लेकिन तुमने महेंद्र सिंह का एडवर्टाइजमेंट देखा ना,
पॉलिटिक्स कर रहा है मेरे साथ, इसीलिए कंट्रोल से बाहर हो गया और मैं गुस्से में पता नहीं क्या कह गया। माँ, लेकिन माँ मुझे माफ कर देंगी? राकेश बेटा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तू रात को घर नहीं आया, खाना भी नहीं खाया होगा, ये ले कॉफी पी ले। अभी टिफिन भी तैयार हो जाएगा। सुन संध्या, मेरा बेटा अभी भी बच्चा है, कैसे संभालोगी पता नहीं मुझे, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। राकेश बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, कॉफी गर्म थी ना? पता नहीं मुझे क्या हुआ था, पानी लाती हूँ। मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर। ए राकेश, अरे क्या कर रहा है, अब क्या हुआ? ए ये क्या बचपना है, अरे छोड़ ना, अब क्या हुआ तुझे? हाँ, आंसू बहाएगा तो होने वाली पत्नी मजाक उड़ाएगी, अब हंस हंस ना। सुनो भाई, मुझे जरा पेपर पढ़ने के लिए दोगे क्या? पता नहीं क्यों सुबह जब तक पेपर नहीं पढ़ता हूँ मेरा दिल ही नहीं लगता है। अरे भाई जरा पेपर दोगे क्या? मैं नहीं दूंगा। तो एक काम करो, सारी हेडलाइंस पढ़ के सुना दो, मैं सुन लेता हूँ। मैं नहीं सुनाऊंगा। तुम जिद क्यों कर रहे हो यार? अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये एक रुपया रख लो और पेपर मुझे दे दो। नहीं दूंगा। तुम गाँव वाले? यहाँ क्यों भाई, पेपर की हेडलाइन पढ़ने में तुम्हें क्या तकलीफ होती है? और नहीं तो क्या, पेपर पढ़ने आता तो पढ़ता ना। पढ़ने नहीं आता तो फिर पेपर लेकर क्यों बैठा था? अरे अब क्या बताऊं मैं, धूप ना लगे इसलिए लेकर बैठा था। क्या कहा? धूप ना लगे इसके लिए पेपर लेकर बैठे थे? कितने ज्ञानी हो महापुरुष। मेरी अकल घास चरने गई थी जो तुमसे पढ़ने के लिए कहा। ए महापुरुष, महानुभाव, एक बार जरा उठकर खड़े हो जाएंगे? हाथ दे। कितना वजन है बाबा? अरे नहीं बाबा, दया करके मेरा पैर मत पड़ो। ऐसा नहीं है। अरे बोला ना मेरा पैर मत पड़ो, समझते नहीं हो? ऐसी बात नहीं है, बोला ना, फिर वही बात दोहरा रहे हो, ऐसी बात नहीं है। अरे अरे फिर मेरा पैर छू रहे हो? कौन छू रहा है पैर? तुम ही तो छू रहे हो। ऐसा नहीं है, बोला ना, मैं बात ही नहीं समझते, फालतू में बकवास करते हो, अपने पैर लेकर जाओ। अरे रे, ए, फिर छू रहे? अब क्या हुआ, अगर तू मेरा पैर छूएगा तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा क्या? वो बात गाँव के लोगों को पागल समझता है क्या तू? ऐसी बात नहीं है, बोला ना, समझते नहीं हो, फालतू में बकवास किए जा रहे हो, जब देखो तब गला फाड़ते रहते हो। अरे अरे फिर भी समझता नहीं है? अरे तेरी जात का वो बात नहीं बोल रहा हूँ, सुनता क्यों नहीं मैं? वो बात नहीं है। अरे फिर से चूरा दे, कितनी बार कहूँ तुझे, समझ में नहीं आता तुझे? समझ रहा है, वो बात नहीं है, मर जाओ। वो बात नहीं है, समझता नहीं है, बकवास किया जा रहा है, देख मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसी हरकत रही ना तो तू मार खाएगा मेरे हाथ से। खाना खाता है? अरे शमशान का प्रेत, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मेरा पैसा उठा रहा हूँ, तेरे बाप का क्या ले रहा हूँ? नहीं बताना चाहिए था ना, इधर ही आके गिराना चाहिए था क्या? अभी तू क्या कान के नीचे? पेपर कहीं और भी पढ़ सकता था ना, इधर ही आकर मरा था, खुद को समझता क्या है? हम गाँव वाले पागल है क्या? आया बड़ा। अंकल ये चिट्ठी आपको देने के लिए कहा है अंकल। राकेश क्या है बेटा? राकेश कहाँ जा रहा है तू? मिस्टर महेंद्र से थोड़ा काम है मुझे। राकेश राकेश उनके साथ कुछ मत करना। राकेश राकेश राकेश, कल पेपर में शादी की खबर छपवाई, नो रिएक्शन। आज कार प्रेजेंट किया तब भी नो रिएक्शन, मतलब अपना प्लान वर्कआउट हो रहा है। एडवांस में आपको बधाई हो सर। राकेश कार पसंद आई? हाँ बहुत अच्छी लगी, आपसे कुछ काम है, आइए आइए सर, उसको करीब लाने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है आपको। Okay.
ओह माय गॉड, क्यों मिस्टर महेंद्र, मुझे रिश्वत दोगे? मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूं कि चॉकलेट के लालच में आ जाऊंगा? अपनी कार की हालत देख ली ना, दोबारा कभी मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो आपकी भी यही हालत होगी। बड़ी आइटम हो यार, छोड़ो ना। अरे आ जाओ ना सर। हाँ। आप तो यहाँ है, फिर साउंड वहां से कैसे आ रहा है? आ जाओ एक बार। अरे ये तो ताराचंद की आवाज लग रही है। तुम्हें देखते ही मेरा आपका बुरा टाइम पार्टी से शुरू हुआ और अब घर तक पहुंच चुका है। अरे क्या कर सर, मेरी बहन को मार डाला इंस्पेक्टर। मंत्री महेंद्र सिंह पर खून का इल्जाम। क्या हुआ भाई, किसने भानुमति की हत्या कर दी? मंत्री महेंद्र सिंह जी ने अपनी साथी भानुमति की हत्या की है और इस मामले के सारे सबूत उनके पास है, ऐसे ताराचंद जी का कहना है। भानुमति की हत्या से उनका कोई वास्ता नहीं है, ये एक राजनीतिक चाल है, ऐसे पत्रकारों के पूछने पर मंत्री महेंद्र जी ने बताया। नो, भानुमति को मैंने नहीं मारा है, हमारे विरोधी तारा चंद का अफवाह है। सब बकवास है, सब्जी में प्याज नहीं है क्या? महेंद्र सिंह को भानुमति का मर्डर करते हुए ड्राइवर ने अपनी आंखों से देखा है। भानुमति और ड्राइवर का नाजायज रिश्ता था, इसलिए महेंद्र सिंह ने भानुमति का मर्डर कर दिया। झूठ झूठ, भानुमति और मेरे बीच कोई नाजायज संबंध नहीं था, वो मेरी बहन के समान थी। भानुमति बहन थी, सेकंड सेटअप उसकी बहन थी। कलयुग है, घोर कलयुग हो गया रे। सर, मिनिस्टर महेंद्र सिंह पे मर्डर का चार्ज लगाया है, ऐसे इंसान को आप राज्य के मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? ये सब तो अफवाह है, उनका आरोप कोर्ट में साबित तो नहीं हुआ ना? अगर वो कोर्ट में बेकसूर साबित हुए तो फिर समस्या क्या है? नो, एक हत्यारा हमारे राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं। बेचारे महेंद्र जी अभी अभी अपनी पत्नी और बेटे से मिलकर बहुत खुश थे, बेटे की शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इस मर्डर के कारण उनके सारे प्लान बिगड़ गए। सीएम की तबीयत बिगड़ने के कारण राज्य के नए सीएम महेंद्र सिंह होने वाले थे, लेकिन मर्डर केस में उनका फंसना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और अगले चार दिन में पार्टी मुख्यमंत्री का चुनाव करने वाली है। महेंद्र सिंह जी अगर कोर्ट में निर्दोष नहीं साबित हुए तो ताराचंद जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो ताराचंद कभी सीएम नहीं बन सकता है। अरे तुम्हें बताओ, मैं सीएम बने बिना ही मर जाऊंगा क्या? बताओ। बिल्कुल बनेंगे सर, लेकिन पहले आपको इस केस से बाहर आना पड़ेगा। इससे शायद ही मैं बाहर निकल पाऊंगा। घबराने की बात नहीं है सर, असली बम तो हमारे हाथ में है सर। मेरे हाथ में? हाँ सर, उस बम का प्रयोग करते ही आप इस फसाद से बाहर निकल जाएंगे। वो कौन सा बम है? राकेश। मिस्टर राघव, कैनरा बैंक मैनेजर। आपने अर्जेंटली बुलाया मुझे, आई एम लॉयर राकेश। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें लेकर आने के लिए कहा है, चुपचाप चलो मेरे साथ। अबे देख क्या रहा है, उससे ही कह रहे हैं। तुम इज्जत से चलोगे या उठा कर ले जाऊं? किसी ने हिलने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा, चलो। Oh!
मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। बताया था गधों को कि राकेश बातों से ही नहीं बल्कि हाथों से भी मारता है। नहीं सुना? अपने बेटे की ताकत मैं नहीं जानता हूं क्या? इसीलिए मैं खुद आया हूं। खून का बंधन। आखिर आप चाहते क्या है? भानुमति का मर्डर केस तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। क्या? भानुमति को मैंने मारा है, उस केस को तुम लड़ोगे। एक बार फिर से कहिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। दूसरा रास्ता नहीं है, बोल दीजिए। भानुमति को मैंने मारा है, ये केस तुम लड़ोगे। आपका केस मैं क्यों लड़ूं? ये हुई ना अकलमंद वाली बात। राकेश, मेरी जितनी बैड पब्लिसिटी है उससे बहुत ज्यादा अच्छा लॉयर का तुम्हारा पब्लिसिटी है। सच्चा और न्याय वाले केस ही तुम लेते हो, ऐसा सब मानते हैं। इसीलिए मेरा केस तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तुम ये केस टेकअप करोगे तो मुझे सब बेकसूर समझेंगे। ताराचंद मुंह बंद रखेगा। तुम ये केस जीतोगे तो मैं सीएम बन जाऊंगा। सीएम के बेटे के नाते तुम्हारा लेवल भी बढ़ जाएगा। व्हाट डू यू से? एक्सीलेंट। मतलब मुझे आपका केस लड़ना होगा। आप छू करेंगे और मैं दुम हिलाता हुआ आपके पीछे आ जाऊंगा। आप थूकेंगे और मैं वो थूक चाटूंगा। आपने सोच कैसे लिया कि मैं अपनी सच्चाई बेच दूंगा? चाहिए? अरे राकेश, इज्जत से कह रहा हूं, 24 घंटे की मोहलत देता हूं, एक बार फिर सोच लो, वरना मैं अपना पावर दिखाऊंगा तुम्हें। I will show you my power. आप क्या मुझे अपना पावर दिखाएंगे? पहले इसका कुछ बिगाड़ कर दिखाइए। वाह वाह, कितना अच्छा बेटा पैदा किया है आपने। जल्दी से लेके चलो। यस सर। क्विक डॉक्टर, सुनिए, जल्दी से दवाई लेकर आइए। मैं लेकर आता हूँ दीदी, जल्दी लाना। राकेश जी, आपका फोन। हेलो, क्या हुआ? सुना झोपड़ियों में आग लग गई। ये भी सुना है कि कोई बच्चा बहुत सीरियस है। मतलब? झोपड़ियों में आग लगाने वाला मैं ही हूँ। यू ब्लडी, मेरा केस टेकअप करो, वरना तुम्हारा पीए किसी मेडिकल शॉप में गया है ना, लेकिन लौट कर नहीं आएगा वो। यू ब्लडी, आपका फोन। हेलो राकेश, अब तो मेरा केस टेकअप करोगे ना? रुक, अभी आता हूं। क्या हुआ साहब जी? राकेश आ रहा है। वो
वो आएगा तो आपका सफर यही खत्म हो जाएगा। चुप करो। अरे सर, हमने चाहे जितने भी मर्डर किए हो, लेकिन ये कलयुग का परशुराम है, माँ के बजाय बाप का गला काट डालेगा। अब हम क्या करेंगे सर? महेंद्र कहाँ है? मैं नहीं जानता। बताता है कि नहीं? तुम्हारे घर गए हैं, तुम्हारे घर गए हैं। यू बड़ी चीट। तेरी जान ले लूंगा। शारदा, तुम बीच में मत पड़ो। अपने बेटे के हाथों मरने दो मुझे। मार दो, मार दो मुझे। राकेश, राकेश, मेरे पति को मारने का तुझे कोई हक नहीं। माँ, इसने झोपड़ियों में आग लगवा दी, गुलाब का एक्सीडेंट करवा दिया और अब वो जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा है। माँ, जानती हूँ, लेकिन ये सब कुछ तारा चंद ने किया है। इसने जो भी कहा वो झूठ है माँ। ये हर जगह राजनीति करता है। माँ पूछो, मैं इसका केस हाथ में ले लूँ? इसके लिए इसने मुझे फोन किया या नहीं? पूछो इससे माँ, पूछो। वो काम ताराचंद ने किया है, आप ही बताइए। ए चुप, नाटक मत कर। भगवान को बीच में मत ला, वरना तूने भी बिगाड़ देगा। मेरा खुद का बेटा ही मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा, मैं इस जिंदगी का क्या करूंगा? मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। मुझे मत रखो, मुझे मर जाने दो। मत रखो, मर जाऊंगा। फोड़ते हैं तो फोड़ने दो, इतनी आसानी से मरने वाले इंसान नहीं है माँ। सर फोड़ने दो। बेवजह तुम दोनों के बीच झगड़ा करवाया? नहीं, मैं जेल में ही जी लूंगा और मर जाऊंगा। सुनिए जी, मेरे मरने के बाद सिंदूर और चूड़ी नहीं निकालोगी, वादा करो मुझसे शादा। मैं जहां भी रहूंगा तुम्हें सुहागन देखना चाहूंगा, यही मेरी इच्छा है। सुनिए जी, राकेश, तेरे पिताजी जा रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। राकेश, तेरे पिताजी बुरे इंसान हैं, सुरेखा की मौत का कारण यही है, इसलिए उस दिन उन्हें छोड़कर मेरे साथ आ गई। लेकिन आज अपनी गलतियों को मानकर वो खुद यहाँ आए हैं। कि उन्हें पापों का उन्हें कितना दुख हो रहा है मैं जानती हूँ। बुरे पति को मना करने का हक जब मुझे है, तो बदले हुए पति का आदर करने का हक मुझे नहीं है क्या? पति के होते हुए भी विधवा की तरह जी। माँ कहकर बुलाने के लिए मैं किराया नहीं मांग रही हूँ। मेरे पति का केस तुझे लड़ना पड़ेगा। मैं झोले फैला कर भीख मांग रही हूँ। नहीं माँ, नहीं, तुम्हारी बात मैंने कभी नहीं टाली। मान लेता हूँ माँ, मान लेता हूँ। कभी कभी इंसानों को तलवार से नहीं बल्कि बातों से मारा जाता है। आज आपके पति ने अच्छा नाटक करके आपका मन बदल दिया। मिस्टर महेंद्र, यू आर ग्रेट। सलाम करता हूँ आपको, सलाम करता हूँ। लेकिन माँ, आज के बाद से आपकी ममता को साक्षी मानकर, अपनी सच्चाई को बाजार में बेचकर, अपनी नीति को गिरवी रखकर, भले ही मेरे लिए नरक है पर जीऊंगा, आपके लिए जीऊंगा। बेटा, बेटा। राकेश यार, अपोलो हॉस्पिटल से बोल रही हूँ सर। बोलिए। आपके असिस्टेंट होश में आ गए हैं सर। अच्छा, आइए सर। सर, मैं अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता और आपको नमस्कार नहीं कर सकता सर। हाँ, क्योंकि मैं उस लायक नहीं रहा। नहीं सर, आपका सम्मान नहीं गया सर, लेकिन मेरे पैर और हाथ।
आपको नमस्कार नहीं करवाया सर। सर ये क्या है सर? आप रोइए मत सर। कोर्ट में रोज भगवत गीता पर हाथ रखकर चोर उचक के कसम खाते हैं सर। इतनी सी बात के लिए भगवत गीता की पवित्रता चली जाती है क्या? नहीं सर, महेंद्र के केस को ना बोलने वाले आप वैसे ही सर। सर लड़िए सर, कोर्ट में हंगामा कर दीजिए। जरूरत पड़ी तो महेंद्र सिंह के खिलाफ मैं गवाही दूंगा सर। कोर्ट में आपका साथ देने के लिए शायद इतने के बाद भी भगवान ने मुझे नहीं मारा सर। भगवान ने मुझे नहीं मारा सर। पूरा शमशान हो गया साहब जी, आपके बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं बची है साहब जी। महेंद्र, इन बातों को अपने दिल पर मत लीजिए साहब जी। न्याय हो या अन्याय हो, अपने पिताजी को जिताइए साहब जी। आपको जितना पड़ेगा, आपको जितना ही पड़ेगा साहब, आपको जितना ही पड़ेगा, आपको जितना ही पड़ेगा साहब, आपको जितना ही पड़ेगा। राजू कैसा है? आपने कोशिश तो की साहब, लेकिन मेरा राजू सोचा था कि बहुत ऊपर तक जाएगा, पर ऊपर चला जाएगा ये नहीं सोचा था। राजू, पेपर वाला राजू मर चुका है, गुलाब जीते जी मर गया। जानती हो क्यों? एक हाथ टूट गया, दोनों पैर टूट गए। इन सब का कारण है वो महेंद्र। लेकिन महेंद्र का केस लड़ने के लिए लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, कोई भी मुझसे नाराज नहीं है, गुस्सा नहीं कर रहे हैं। मैंने अपनी सच्चाई को बेचा, नीति को गिरवी रख दिया, तो भी कोई मुझसे नाराज नहीं हो रहा। एक तरफ मां से किया हुआ वादा है और दूसरी तरफ मेरे मन की शांति। सच्चाई के लिए जीने वाले इंसान को इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? ये सजा भुगतने से तो अच्छा था कि मैं मर गया होता। आई डाइड सीने में है अगन, मजबूर कर रहे लहू के बंधन। इस धर्म चक्र में उलझा मेरा मन, मेरे टूट रहे उसुल्ला दर्शन। है अपनों से रण, मेरे सीने में है अगन।
अपना फर्ज निभा, रिश्ता खून का कहे तो अपनों को बचा। तू ही बता अब भगवान क्या करूं मैं, कैसे छोड़ दूं मैं इस कलियों की पापी को, क्यों मैं दूं साथ इस अपराधी का, कैसे ढल जाने दूं न्याय के सूर्य को। एक तरफ फर्ज और कानून है, एक तरफ धर्म मेरा है। अपनों से रंग मेरे सीने में है अगन। अब तक भानुमति हत्या केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर गोवर्धन और डिफेंस लॉयर राकेश के दिए हुए सबूतों का परीक्षण किया गया। अब दोनों पक्षों की दलीलें सुनेंगे। यू प्रोसीड मिस्टर प्रोसिक्यूटर। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की तरफ से आरोपी महेंद्र सिंह जी ने ही हत्या की इस बात का गवाह और सबूत मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। इस हत्या के चश्मदीद गवाह ताराचंद है। जब महेंद्र जी भानुमति पर गोली चला रहे थे तो ताराचंद बीच में आए, उनके हाथ पर गोली भी लगी। आरोपी महेंद्र सिंह जी को बचाने के लिए हमारे डिफेंस लॉयर राकेश जी ने बड़ी मेहनत से झूठे सबूत इकट्ठा किए और वो निरपराधी है ऐसे दलीलें पेश की। बेचारे, इन्हें देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। योर ऑनर, मेरी दलीलों और सबूतों पर गौर करके आरोपी को सजा दिलवाकर न्याय का पालन करने के लिए ऐसे भ्रष्ट नेताओं से हमारे राज्य को बचाया जाए, मैं आपसे ऐसी विनती करता हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप डिफेंस अपनी बात कह सकते हैं, प्रोसीड। कर बुलाने के लिए मैं किराया नहीं मांग रही हूँ। मेरे पति का केस तुझे लड़ना पड़ेगा। मैं झोली फैलाकर भीख मांग रही हूँ बेटा। योर ऑनर, सारे तर्क और गवाह मंत्री महेंद्र को निर्दोष साबित करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहने वाले महेंद्र सिंह किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? कहीं उनका परिवार उनके लिए रुकावट ना बन जाए, इसलिए अपनी बेटे और पत्नी को छोड़ करके प्रजा की सेवा में लग गए। भानुमति की हत्या 2 अक्टूबर को हुई थी। उस दिन महेंद्र जी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर रहे थे। महेंद्र जी की दिल्ली की हवाई टिकट, होटल की रसीद और गांधी जी की समाधि के पास उनका फोटो इस बात का सबूत है। दिल्ली से लौटने के बाद महेंद्र जी सीधे अपने घर पर गए। वहां उन्होंने भानुमति को ताराचंद के साथ प्रेम क्रीड़ा में मग्न देखा।
भानुमति को बहन मानने वाले महेंद्र जी को ये देखकर बड़ा दुख हुआ। हिंदुस्तान का झंडा फट जाए तो महेंद्र जी दो दिन तक खाना नहीं खाते, तो अपनी बहन को इस हालत में देखकर सोचिए महेंद्र जी को कितना दुख हुआ होगा। उन्होंने ताराचंद के हाथ पैर जोड़कर कहा, इस तरह मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद मत करो, उसके साथ शादी कर लो। तब ताराचंद ने कहा कि जब मुझे मुख्यमंत्री बनाओगे तब इसके साथ शादी करूंगा। अब एक तरफ थी बहन की जिंदगी और दूसरी तरफ राष्ट्र का भविष्य। अपने भाई की यह हालत देखकर भानुमति परेशान हो उठी और उसने आत्महत्या कर ली। भाई बहन के पवित्र रिश्ते की निशानी है भानुमति का त्याग। लेकिन योर ऑनर, महेंद्र जी को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए इसलिए आत्महत्या को हत्या में बदल दिया इस ताराचंद ने। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट महेंद्र बेकसूर हैं। महिलाओं को बहन मानने वाले, देश को भगवान के रूप में पूजा करने वाले महापुरुष हैं ये। अगर ऐसे महापुरुष को हमने खो दिया तो राज्य अनाथ हो जाएगा। योर ऑनर, अब आपके फैसले का समय आ गया है। मेरे क्लाइंट बेकसूर हैं, उनके सबूत और आधार आपके सामने पेश कर चुका हूं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि वो बेकसूर हैं। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने ये मर्डर नहीं किया। व्हाट माय डियर प्रोसिक्यूटर, आप क्या कहते हैं? क्यों ताराचंद, महेंद्र सिंह बेकसूर साबित हो रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? आप बेकसूर हैं महेंद्र जी, आपको रिहा कर दिया जाएगा, ये मेरा भरोसा है। जब तक मैं हूं आपका कुछ नहीं होगा, आपको आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे सीने में है अगन, मजबूर कर रहे लहू के बंधन, इस धर्म चक्र में उलझा मेरा मन, मेरे टूट रहे उसुल्ला दर्शन। सर, आपकी माँ की चिट्ठी। राकेश, मुझे दिए हुए वादे के लिए तू कितना तड़पा है मैं जानती हूँ। एक गुंडे की पत्नी कहलाने से तो अच्छा है एक बेटे की माँ बनकर मैं हमेशा खुश रहूँ। न्याय और नीति का सामना करो बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद डिफेंस लॉयर राकेश की दलील से यह अदालत सहमत है और यह अदालत वन मिनट योर ऑनर, प्लीज गिव मी वन मोर मिनट। आप अपना फैसला सुनाने से पहले मेरा कहना एक बार सुन लीजिए। मेरे क्लाइंट प्रजा बंधु हैं, दीन बंधु हैं, देश बंधु हैं। श्री 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 राजा विक्रम महेंद्र जी को सीधे उठाकर तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि इनसे बड़ा बदमाश और कोई नहीं है। भानुमति का कत्ल इन्होंने ही किया है, इन्होंने ही किया, इन्होंने ही किया। He is not innocent, he is a bloody murderer. बता, भानुमति तेरी बहन है? कब बहन है वो, रात में या दिन में? बता, बता सबको, बता। मिस्टर राकेश, यू आर आउट ऑफ ऑर्डर। नो, आई एम नॉट आउट ऑफ ऑर्डर। अगर मैंने सच नहीं बताया तो कोर्ट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी, कानून आउट ऑफ ऑर्डर, स्टेट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी, पूरा देश आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। यस, 2 अक्टूबर को भानुमति की हत्या की थी महेंद्र ने। उस दिन ये दिल्ली नहीं गया था, गांधी जी की समाधि पर नहीं गया था, अपने नाम से ड्राइवर को भेजा था दिल्ली में। इसका ड्राइवर ड्रिंक एंड ड्राइविंग में पकड़ा गया था। ये रही पुलिस की रिपोर्ट। गांधी समाधि के पास महेंद्र की फोटो एक लोकल स्टूडियो वाले ने बनाई है। ये रही ओरिजिनल फोटो और उसके नेगेटिव। ये देखिए, हत्या की जगह पे ताराचंद के खून की कोई निशान नहीं है। क्यों, सोचिए, भानुमति और ताराचंद को एक साथ देखकर महेंद्र अपना गुस्सा रोक नहीं पाए और उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह ताराचंद बचकर निकल गया। सही कहा तूने। अगली बार मैं तुझे मारूंगा। सब्जी में अगर मिर्ची आ जाए तो चुपचाप निकल जाना चाहिए। मिस्टर राकेश, महेंद्र बेगुनाह है ये आपने ही कहा था, और अब आप कह रहे हैं कि हत्यारा है। आप कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हैं। कोर्ट की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ योर ऑनर, कोर्ट की इज्जत बढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैं एक डिफेंस लायर की तरह लड़ा, लेकिन अब सच्चे मन से नीति और न्याय को मानने वाले की तरह बात कर रहा हूँ। कोर्ट में सब लोग भागवत गीता की कसम खाकर अपनी बात कहते हैं, लेकिन आज मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, ये महेंद्र हत्यारा है, हत्यारा है। योर ऑनर, डिफेंस लॉयर पूरी तरह पागल हो चुका है। अगले 5 मिनट में तू पागल हो जाएगा। यू आर फिनिश्ड मिस्टर महेंद्र, यू आर फिनिश्ड। योर ऑनर, आज महेंद्र को छोड़ देंगे तो ये महानायक बन जाएगा, राज्य का मुख्यमंत्री बन जाएगा, राज्य की जनता को नोच नोच कर खा जाएगा, भगवान के हुंडी के पैसे ये अपनी तिजोरी में भालेगा, ये भारत माता के गले का हार निकाल करके अपने गले में डालने के लिए कहेगा, अपनी जय जयकार करवाएगा। राजनीति के ऐसे कीड़े को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप ही बताइए। राकेश! राकेश!
राकेश, ट्रेन आ रही है। राकेश, मुझे बचा लो, अपनी माँ के लिए, उसके मंगलसूत्र के लिए मुझे बचा लो, मुझे बचा लो शारदा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। राकेश, मुझे बचा लो। राकेश, 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 शारदा, मुझे बचाने के लिए राकेश को बोलो। मैं कोई हत्यारा नहीं हूं, बल्कि एक इंसान हूं। जब माँ ने मंगलसूत्र उतारा, उसी समय तुम्हारी मौत हो चुकी थी। इस दुनिया को चलाने वाला धर्म है, और धर्म चक्र कभी नहीं रुकता। अगर उसके सामने आओगे तो ये चक्र तुम्हें काट कर रख देगा।